हर हालत में रोकना ही होगा। पॉइंट ये है कि मैं ही हूं जो उसे ला सकता हूं। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। पेन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के कल्कि ने बॉक्स ऑफिस पर वो धमाका कर दिया जो 2024 में कोई भी फिल्म नहीं कर पाई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल इंडिया की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई थी उन फिल्मों का फर्स्ट डे कलेक्शन भी उतना नहीं था जितनी कमाई इस वक्त प्रभास की फिल्म कल्कि दुनिया भर से एडवांस बुकिंग में ही कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कल्कि फिल्म की दुनिया भर की बुकिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही ऐतिहासिक कमाई कर ली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कल्कि के वर्ल्ड वाइड टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने टोटल कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रभास की कल्कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर KGF बाहुबली 2 के रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं। तो दोस्तों, नाग अश्विनी के डायरेक्शन में बनी बिग बजट फिल्म कल्कि, जो कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में दुनिया भर के सिनेमा घरों में धमाका करने को तैयार है। इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे इंडियन सिनेमा के नंबर 1 पेन इंडिया सुपरस्टार प्रभास और उनके साथ नजर आएंगे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन और कमल हसन। साथ ही साथ फिल्म में दिशा पाटनी और दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली है। अब दोस्तों, आप सबको पता है कि यहां पर कल्कि फिल्म रिलीज होने वाली है 27 जून को, यानी कि आज से सिर्फ 2 दिनों बाद। और दोस्तों, यहां पर कल्कि फिल्म की एडवांस बुकिंग विदेशों में लगभग 12-15 दिन पहले शुरू कर दी गई थी और फाइनली अब इस फिल्म की इंडिया में बुकिंग भी कल शुरू हुई। और जैसे ही कल्कि फिल्म की इंडिया की बुकिंग शुरू की गई भैया, देखते देखते बुक माई शो की ऐप पूरी तरह से क्रेज हो गई और फिल्म की टिकटें हर एक घंटे 60,000-70,000 बिकने लग गए और कहीं ना कहीं कुछ ही घंटों के अंदर कल्कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में करोड़ों की कमाई कर ली। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह बता दें कि कल्कि फिल्म की अभी भी ऑल ओवर इंडिया में बुकिंग को शुरू नहीं किया है। यहां पर कल्कि फिल्म की एडवांस बुकिंग सिर्फ तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और अपने नॉर्थ इंडिया में शुरू हुई है कुछ कुछ जगह पर। लेकिन दोस्तों, लिमिटेड बुकिंग शुरू होने के बावजूद भी फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिला है उसे देखकर यही लग रहा है कि कल्कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग किसी भी हालत में 200 करोड़ रुपए की लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जहां बॉलीवुड की फिल्मों को 200 करोड़ कमाने में 2 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन कल्कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन 200 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने वाली है। क्योंकि इस वक्त फिल्म की बुकिंग देखकर तो यही लग रहा है कि मूवी प्रभास के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी। हालांकि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओपनिंग यहां पर प्रभास के स्टारडम की वजह से आएगा, वही फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो फिल्म के कंटेंट पर डिपेंड रहेगा। मतलब कि प्रभास अपने स्टारडम से फिल्म को ओपनिंग तो 200 करोड़ की दिलवा देंगे, उसके बाद अगर लोगों को फिल्म अच्छी लगी तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आसानी से 1,000-1,500 करोड़ की कमाई कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त अगर बात करें कल्कि फिल्म के वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रभास का जो मेन मार्केट है यानी कि तेलुगु स्टेट तेलंगाना, वहां पर फिल्म की बुकिंग कल शाम को शुरू हुई थी और देखते ही देखते इस फिल्म ने तेलंगाना से एडवांस बुकिंग में 15,48,00,000 रुपए की कमाई कर ली है। वही दोस्तों, इस फिल्म की तमिलनाडु की बुकिंग कल दोपहर में शुरू हुई थी और जब से लगाकर अभी तक फिल्म की तमिलनाडु की बुकिंग 1,27,00,000 रुपए की हुई है। वही दोस्तों, फिल्म को कर्नाटका में भी शानदार रिस्पॉन्स मिला और इस मूवी ने कर्नाटका से एडवांस बुकिंग में 2,03,00,000 रुपए कमा लिए हैं। हालांकि बात करें नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी मार्केट की, तो दोस्तों आपको बता दें कि नॉर्थ इंडिया में जितनी स्क्रीन से उनमें से सिर्फ 25% स्क्रीन पर यहां पर कल्कि फिल्म की बुकिंग शुरू की गई है हिंदी और तेलुगु वर्सन की, और फिल्म ने अभी तक नॉर्थ इंडिया से एडवांस बुकिंग में 3,16,00,000 रुपए कमाए हैं। इसी के साथ दोस्तों, प्रभास की कल्कि का जो ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 21,94,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कुछ घंटों के अंदर ही कल्कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही इंडिया से 21,94,00,000 रुपए की शानदार कमाई कर ली। लेकिन आप अगर बात करें ओवरसीज की यानी कि विदेशों की बुकिंग के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कल्कि फिल्म की विदेशों में बुकिंग लगभग 2 हफ्ते पहले शुरू हुई थी, जहां से फिल्म ने अभी तक ओवरसीज में जो वीकेंड की टोटल बुकिंग है वो कर ली है 3.50 मिलियन डॉलर की,
जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 29 करोड़ 24 लाख रुपए होते हैं। अब अगर टोटल जोड़े की फिल्म का वर्ल्ड वाइड बुकिंग कलेक्शन कितना होता है, तो जहां इंडिया का एडवांस बुकिंग कलेक्शन 21 करोड़ 94 लाख रुपए और विदेशों का 29 करोड़ 24 लाख रुपए। यानी कि दोस्तों कल की फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 51 करोड़ 18 लाख रुपए का हो चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने, कल की फिल्म एडवांस बुकिंग कलेक्शन में ही 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। बताना चाहूंगा दोस्तों, ये एडवांस बुकिंग कलेक्शन वीकेंड का है, यानी कि गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार इन चार दिनों की एडवांस बुकिंग फिल्म की दुनिया भर में 51 करोड़ 18 लाख रुपए की हो चुकी है। तो दोस्तों फिल्म को एडवांस बुकिंग में तो ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स मिला है। अब दो दिनों बाद जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो देखते हैं कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कितनी कमाई मिलती है। वैसे आपको क्या लगता है, कल की फिल्म का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में कितने करोड़ का आएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और कल की के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।